हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में ई संजीवनी ओपीडी के बारे में बताने वाले हैं। तो ये न्यू सीएचओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो आप बिना स्किप किए पूरा देखिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल पर। गूगल ओपन करेंगे और हम यहाँ पर ई संजीवनी डॉट इन लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद जब सबसे पहले आपको लिंक दिखाई दे रहा है जो, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और साथ ही साथ कैप्चा भी फिल कर देंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर देंगे। तो हम इसमें डालते हैं यूज़र आईडी। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में थ्री लाइन्स दिखाई दे रही हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर न्यू पेशेंट का ऑप्शन आएगा। तो हमें न्यू पेशेंट को रजिस्टर करना है, हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट्स पर फिर से क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि डू यू हैव आभा नंबर। जिस पेशेंट को आप रजिस्टर करने जा रहे हैं उसके पास अगर आभा नंबर है तो इसमें हम डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। नाम में कुछ भी डाल सकते हैं आप, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। और उसके फादर का नाम, ये देखिए यहाँ पे अगर लेडीज़ है तो स्पाउस नेम, गार्जियन नेम, और अगर मदर का नेम अवेलेबल है मदर का नाम डालेंगे, नहीं तो फादर का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर एज डालेंगे, जैसे 42 इयर्स ओल्ड है। और मंथ इसमें ज़रूरी डालना है, अगर आप मंथ नहीं डालेंगे तो रजिस्टर नहीं होगा। और देखिए जहाँ पर स्टार बने हुए हैं वो चीज़ें मस्ट हैं, ये सब डालना ज़रूरी है जहाँ पर स्टार बने हुए हैं। और जहाँ पर स्टार नहीं है तो उस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो। अगर आपका आपके पास इसका ब्लड ग्रुप अवेलेबल है जिसको आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आप ब्लड ग्रुप डाल लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर इसमें मैरिटल स्टेटस डाल लेंगे, सिंगल है, मैरिड है, विडोड है, डाइवोर्स्ड है, तो ऐसे इसमें डाल देंगे। मोबाइल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ईमेल एड्रेस में भी अगर अवेलेबल है तो डालेंगे। फिर आता है जेंडर। जेंडर मस्ट है क्योंकि इस पर स्टार बना हुआ है तो ये डालना ज़रूरी है। फिर हम यहाँ पर डालेंगे एड्रेस, एड्रेस में डालेंगे उसके गांव का नाम जिस गांव का वो पेशेंट है, और यहाँ पर स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो विलेज सिटी लिखा हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, विलेज सिटी में ब्लॉक आएगा। और पिन नंबर डालेंगे, पिन नंबर डालने के बाद पेशेंट को रजिस्टर करेंगे। तो हम रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पर पेशेंट दिखाई देगा, देखिए मिस्टर फारूक यहाँ पर आ गया है, तो इस तरह से यहाँ पे शो होगा। शो होने के बाद अगर हमें इसकी ओपीडी करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेशेंट आ गया हमारा, तो यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनेशन, एलर्जी प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक और क्वेरी। तो हम सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन में अगर आपने उसका जनरल एग्जामिनेशन किया है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे उसको अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो यहाँ पर राइट का निशान, और स्मोकिंग करता है तो राइट का निशान, ऐसे करेंगे। फिर एलर्जी में देखेंगे, अगर उसको कोई एलर्जी रिएक्शन है किसी ड्रग से तो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे प्रॉब्लम में जाएंगे, प्रॉब्लम में जो उसको प्रॉब्लम है अभी, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम इसमें कॉन्स्टिपेशन डालेंगे। फिर डायग्नोस्टिक में जाएंगे, डायग्नोस्टिक में अगर हमने उसका बीपी और शुगर चेक किया है या कोई भी टेस्ट किया है हम उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने उसका आरबीएस किया है और बीपी किया है
तो हम यहाँ पर एंटर रिज़ल्ट मैनुअली पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऐसे इंटरफेस शो होगा, इसमें हमने जितना उसका चेक किया है शुगर वो लिखेंगे जो आया है रीडिंग, और ब्लड प्रेशर वो लिखेंगे जो इसमें रीडिंग आई है, और ऐड डायग्नोस्टिक पे क्लिक कर देंगे। ऐड होने के बाद फिर क्वेरी में जाएंगे। क्वेरी में देख रहे होंगे, क्वेरी में डालना ज़रूरी है क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ है। क्वेरी में या तो आप ये डाल सकते हैं, प्लीज़ गाइड फॉर ट्रीटमेंट, या फिर आपको क्वेरी में जो आपने ऊपर कंप्लेंट की है पेशेंट की वो हम इसमें डाल सकते हैं। क्वेरी में कंप्लेंट डालने का ये फ़ायदा है, अगर नेटवर्क स्लो भी है तो डॉक्टर को वो क्वेरी में दिख जाएगी और वो ओपीडी कर देंगे। तो सबसे पहले फिर हम लास्ट में जो आपको दिख रहा है हेल्थ फैसिलिटी, तो हम यहाँ से हब सेलेक्ट करेंगे कौन से हब से हमें ओपीडी करानी है, और डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल दिख रही है, अभी अवे है, मतलब डॉक्टर ऑनलाइन नहीं है। पे एक ही डॉक्टर अवेलेबल थी और वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डॉक्टर इज़ ऑफलाइन दिखाई दे रहा है। जब डॉक्टर ऑनलाइन आ जाते हैं तो वो टाइप का मैसेज भेजते हैं, हमें टाइप करना होता है और उसके बाद ओपीडी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हम ई संजीवनी ओपीडी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे न्यू वीडियो अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।